राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज करवा चौथ है तो देखिए, आज हम राधा जी, कृष्ण जी और लड्डू गोपाल का स्नान लेके आए हैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहले हमने एलोवेरा जेल लगाया राधा कृष्ण जी को, मालिश की उसकी, और फिर हमने चंदन से मालिश की है, और फिर देखिए हमने दूध से स्नान कराया है राधा जी और कृष्ण जी को। और ये जो ड्रेस हम पहना रहे हैं, जो इसका हमने कपड़ा लेके आए थे, शॉपिंग की थी, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो सब आप देख लीजिएगा जाके, और देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी है इसकी। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका धन्यवाद। आप सब ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है। राधे और कृष्ण जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारी राधा लाडली ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है, और जो भी हमने हमारी लाडली के लिए सामान लिया है, उसे देखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। आज हमने जो भी हमारी लाडली को कपड़े पहनाए हैं, वह सब हमने घर पर ही बनाए हैं, जिसका मैंने आप सबके साथ सामान का वीडियो शेयर किया था, वो देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। और देखिए हमारे कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं आज। देखिए हमने तीनों की एक जैसी ही ड्रेसें बनाई हैं, और हमारी लाडली के देखिए आज चेहरे पर कितनी शाइन आई है। आज करवा चौथ है तो आज हमारी लाडली बहुत खुश है। हमारी लाडली ने भी व्रत किया है करवा चौथ का। और हमने देखो हमारी लाडली का एक दिन पहले फेशियल किया था। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, वो वीडियो भी। तो यकीन कीजिए कि जो फेशियल हमने हमारी लाडो के किया था, हमारे कान्हा जी को किया था, उससे अजब सी निखार आ जाता है चेहरे में। अगर आप करोगे तो अपनी लाडो के और कान्हा जी के, आपके भी कान्हा जी ऐसे ही शाइन करेंगे। हमारी राधा रानी के चेहरे पर देखिए कितनी रौनक आ गई है, कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी। और ये जो हमने गले में पहना है, ये भी हम बाज़ार से नया लेके आए थे। देखिए सुंदर सुंदर ड्रेसें बनाई हैं हमने हमारी राधा जी के लिए, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए हमने पायल बनाई थी घर पे बीट्स की, और ये घुंघरू लगाए थे बीच में इसके। और आज हमारी जो राधा रानी है, लाडो है हमारी, एकदम दुल्हन की तरह तैयार हो जाएगी। देखिएगा जब हमारी लाडो रानी तैयार होंगी, एकदम दुल्हन लगेंगी, जो निखार कभी नहीं आया वो आज हमारी लाडो के चेहरे पे आया हुआ है। और हमने राधा रानी की को करवा चौथ की कहानी भी सुनाई, वो सब भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जब हमारी लाडो रानी तैयार हो जाएंगी करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए। और हमारी लाडो रानी ने कृष्ण जी के लिए व्रत किया, और कृष्ण जी ने हमारी लाडो रानी के लिए व्रत किया। देखिए कितना प्रेम है दोनों में, हमारी लाडो रानी और कान्हा जी में। और देखिए हमने दो तीन तरह की दुपट्टे भी बनाए थे राधा रानी जी के लिए। देखते हैं हमारी राधा रानी जी कौन सा दुपट्टा पसंद करती हैं, पहना पहना के दिखाएंगे आपको। और ये देखिए हमने हमारी लाडो को बाल लगा दिए हैं, और ये देखिए अभी हमारी लाडो रानी को बोरला लगाया जा रहा है, जो हमने ऑनलाइन मंगवाया था। बहुत ही सुंदर आए थे ये भी, तीन चार एक साथ ही आए थे, हमने कई वीडियो में आपको दिखाया भी है बोरले को, कि हमने कौन कौन से बोरले मंगवाए थे। तो ये देखिए
कितनी सुंदर लग रही है, अभी से ही सुंदर लग रही है, और जब तैयार हो जाएंगी कंप्लीट, जब देखिएगा इनका लुक कितनी सुंदर लगेंगी। और हमने जो रात को चांद देखा था, हमारे लाडो रानी को भी दिखाया था चांद, तो उसकी भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी इसी वीडियो में बाद में। देखिए जब हमारी लाडो रानी ने जब रात को चांद के दर्शन किए थे वो नज़ारा, तो आप देखोगे चौंक ही जाओगे, बहुत मनमोहक दृश्य था वो उस टाइम का। देखिए हमारी लाडो रानी ने साइड में, ये देखिए तीन तरह की हमने दुपट्टे बनाए थे, अब देखते हैं हमारी लाडो रानी कौन सा पसंद करती हैं। लो अब हो गया फाइनल, ये फाइनल किया है हमारी लाडो रानी ने दुपट्टा। और ये हमारे कान्हा जी, अभी देखिए इनको पगड़ी बांधी जा रही है। और हम एक वीडियो बनाएंगे कि पगड़ी को कई तरह से आप कैसे बांध सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए हमने ग्रीन कलर की कलंगी लगाई है पगड़ी पे, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये हमने आगे रेड कलर की कलंगी लगा दी है। आज हमारे कान्हा जी भी बहुत खुश हैं राधा रानी जी के लिए व्रत करके, क्योंकि आज हमारी लाडो रानी का और राधा रानी का पहला ही व्रत है। और हमने मेरी लाडो रानी के लिए मंगलसूत्र भी मंगवाया था जो हमने पहनाया है, और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने लाडो रानी का जो भी सामान खरीदा था करवा चौथ के लिए वो सब अच्छे से दिखाया है। तो आप वो वीडियो भी देखिएगा कि हम बाज़ार से लाडो रानी के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाए थे। देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम महाराजा लग रहे हैं। देखिए ये मुकुट लगा दिया है चांदी का हमने। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये जो पर्स राधा रानी ने ले रखा है ना, वो भी हमने घर पे बनाया था मोतियों से, जो कि बहुत सुंदर बना है। और हमारी लाडो रानी पर्स को लेके बहुत खुश हुई। ये देखिए करवा चौथ की अब कहानी शुरू करी है। देखिए दो करवे करवा राधा रानी के हैं, दो करवे मेरे हैं। ये देखिए हमारी लाडो रानी को अभी हम कहानी सुनाएंगे करवा चौथ की। देखिए पूरा दुल्हन की तरह तैयार हो गए, और हमारे कान्हा जी दूल्हा लग रहे हैं एकदम से। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, हमने जो पारिजात के फूल होते हैं उसके हमने राधा जी के लिए माला बनाई है और वो पहनाई है। देखिए पूरी प्लेट हमने सजाई है राधा रानी के लिए करवा चौथ के लिए, और रात को भी चांद देखने जाएंगे। देखिए अभी हमारी लाडो रानी के लिए छलनी बनाई थी चांद देखने के लिए। देखिए हमारी लाडो रानी कैसे चांद देख रही है, चांद को पानी दे रही है, अर्घ दे रही है हमारी लाडो रानी। देखिए कितनी क्यूट लग रही है। ये दृश्य आपने कभी नहीं देखा होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारी लाडो रानी चांद को अर्घ दे रही है, और फिर हमारे कान्हा जी को भी देखिए पास में बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी लाडो रानी उनको तिलक निकालेगी, उनकी आरती करेगी। ये देखिए उनको अभी कान्हा जी को हमारी लाडो रानी छलनी में से देखेगी। ये देखिए आरती कर रही है हमारी लाडो रानी। देखिए सारा सामान रखा हुआ है। ये देखिए हमारे कान्हा जी बैठे हैं। देखिए अभी हमारी लाडो रानी को देखो तो कितनी खुश लग रही है, क्योंकि अभी उनके खाने का टाइम भी होने वाला है। मेरी लाडो रानी सुबह से भूखी हैं, उनको खाना खाना। ये देखिए कान्हा जी को कैसे छलनी में से देख रही हैं हमारी
लाडो रानी कितनी प्यारी लग रही है और हमारे कान्हा जी कितने खुश लग रहे हैं। देखिए हमारी लाडो रानी ने पहली बार कान्हा जी के लिए व्रत किया है तो कितनी खुश हैं कान्हा जी भी और हमारी लाडो भी। देखिए पानी पिला रहे हैं कान्हा जी हमारी राधा जी को। अभी सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था हमारी लाडो ने। देखिए पानी पी के एकदम प्यास बुझ गई है और ये देखिए दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पीछे चांद का नज़ारा देखिए दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। तो चलिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। और चलिए अब हम नीचे जाके खाना खिलाएंगे भोग लगाएंगे मेरे कान्हा जी को। ये देखिए हमने ये सामान बनाया था हमारी लाडो के लिए, खीर पूरी सब्जी और रसगुल्ला ये सब। देखिए हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी और हमारी राधा जी अभी भोग लगा रही हैं, फिर उसके बाद हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और ये देखिए हमारी लाडो रानी का भी पेट भरने वाला है, सुबह से भूख लगी थी हमारे कान्हा जी को भी। ये देखिए चलिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।